भाई मुंडल वोट दे मुंडल को जी जी भाई जी मम्मन खान मम्मन को वोट जाएगा जी बिल्कुल जी ये तो बोल रहा है कि मुंडल को वोट जाएगा नहीं मैं मम्मन को दूंगा जी क्योंकि विकास तो मुंडल ने कराया ऐसा कहना है नहीं विकास से कुछ नहीं है अच्छा। युवा पीढ़ी के बारे में सोचने वाला मम्मन है ज्यादा हाँ बिल्कुल। मैं हूँ ज़ाहिर खान और आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। 2019 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब ऐसे में जनता के बीच में चुनावी चर्चा जरा जोरों पर है। यहाँ लोगों से जानेंगे किस बार विधानसभा चुनाव में किसको वोट करना चाहेंगे। और हमारे साथ ये नौजवान हैं सारे, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हमारे साथ सारे यंग पीढ़ी है, इनसे बात करेंगे। भाई जी किसको वोट जाने वाला है इस बार? भाई मुंडल वोट दे मुंडल को जी जी भाई जी मम्मन खान मम्मन को वोट जाएगा जी बिल्कुल जी ये तो बोल रहा है कि मुंडल को वोट जाएगा नहीं मैं मम्मन को दूंगा जी क्योंकि विकास तो मुंडल ने कराया ऐसा कहना है नहीं विकास से कुछ नहीं है अच्छा। युवा पीढ़ी के बारे में सोचने वाला मम्मन है मम्मन ज्यादा हाँ बिल्कुल अच्छा जी भाई जी किसको वोट जाएगा जी? देखिए साहब यहाँ मिली जुली राय है और हमारे साथ हैं। भाई जी किसको वोट जाने वाला है इस बार? मम्मन के देंगे। मम्मन को वोट जाएगा जी? भाई जी किसको वोट जाएगा? मम्मन को। मम्मन को वोट जाएगा। देखिए यहाँ लोगों की मिली जुली राय है और हमारे साथ कुछ नौजवान और इनसे भी बात करेंगे। जी किसको वोट जाएगा? मम्मन खान इंजीनियर को वोट जाएगा। मम्मन को जाएगा जी। कौन सी पार्टी से इस बार आ रहा है वो? इस बार कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस से अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर? फिर तो अगर निर्दलीय भी खड़ा होगा लेकिन वोट उसी को देंगे, मम्मन खान इंजीनियर को। अच्छा मम्मन को वोट देंगे। देखिए साहब अलग अलग राय है जी। भाई जी किसको वोट जाएगा इस बार? जी भाई मम्मन लो। मम्मन को वोट जाएगा। देखिए यहाँ जो मम्मन खान इंजीनियर है उसको वोट जाने वाला है। एक और हमारे साथ भाई जी हैं, इनसे बात करेंगे। भाई किसको वोट जाने वाला है इस बार? मम्मन खान इंजीनियर। मम्मन को वोट जाएगा बिल्कुल। विकास कराया आप युवाओं के लिए उन्होंने? हाँ विकास कराया है लेकिन जब कांग्रेस सरकार में जब मम्मन ने विकास भी अच्छा भी करा है और लेकिन सुनना में भी आ रही मम्मन ने विकास करा भी है। जो बात आने वाली पीढ़ी में भी इंशाल्लाह मम्मन खान इंजीनियर विकास करेगा। देखिए साहब बात जरा रोचक हो जाती है। यहाँ लोगों के अलग मत है। यहाँ लोग मम्मन खान इंजीनियर को देखना चाहते हैं जो 2014 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय और जनता के टिकट पर जो चुनाव मैदान में उतरे थे लेकिन शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2019 में फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या इस बार भी जनता मम्मन खान इंजीनियर को नकारती है या फिर उसको विधानसभा में पहुंचाती है। लगातार का विषय बना हुआ है, मैं आपको दिखाता रहा हूं डीटी न्यूज़ के हवाले से, क्योंकि चुनावी चर्चा जरा रोचक हो जाती है। आज चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 21 अक्टूबर को मतदान होगा, 24 अक्टूबर को सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला खुलेगा। बने रहिए मेरे साथ, आज के लिए बस इतना ही।